बॉलीवुड फिल्मों में शुरुआती दौर से ही विलन का किरदार देखने को मिला है। कई फिल्मों में विलन के किरदार को डरावना और खूंखार दिखाने के लिए समय समय पर एक्सपेरिमेंट भी किए गए। 90 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक विलन हुए जिन्होंने अपने दमदार अदाकारी से बॉलीवुड के हीरो से भी ज़्यादा नाम कमा लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे उन विलन्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं हूं आकाश, करता हूं आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले आते हैं अमरीश पुरी। मोगैम्बो खुश हुआ, उस दौर में बच्चे बच्चे की जुबान पे ये डायलॉग छाया हुआ था। सही मायनों में अमरीश पुरी ने भारतीय सिनेमा में खलनायकी की नए मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, उनकी सादगी लोगों का दिल जीत लिया करती। लिस्ट में अगले आते हैं अमजद खान। शोले में अमजद खान द्वारा निभाया गया गब्बर का किरदार फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे खतरनाक किरदारों में शुमार किया जाता है। हिंदी सिनेमा के पिछले सभी डकैतों से गब्बर अलग था। वह उस विलन की तरह बिल्कुल नहीं सोचता था जिसकी आदत हिंदी सिनेमा के दर्शकों को पहले से थी। इस किरदार ने कुछ अलग करके दिखाया जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लिस्ट में अगले हैं गुलशन ग्रोवर। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और बैडमैन के नाम से मशहूर गुलशन ग्रोवर का नाम मशहूर विलन की लिस्ट में शुमार है। बैडमैन अक्सर फिल्मों में कई हीरोइनों से तो कभी हीरो की बहन से छेड़छाड़ करता नजर आता था। इस किरदार ने भी लोगों को काफ़ी डराया और ये भी इस सूची में एक खतरनाक विलन के तौर पर छा गया। लिस्ट में अगले हैं प्रेम चोपड़ा। बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलन में शुमार प्रेम चोपड़ा ने अपने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें से ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने विलन का किरदार निभाया। सिनेमा के इतिहास में उनके ऐसे कई डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पे कायम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लिस्ट। अगर आपको लिस्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लेकर आऊँगा आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट नाइन लाइव से आकाश।